आज अपन फीडबैक पूरा जो भी अपने बेनिफिट्स है साइटेज के उस पर हम डिस्कस करेंगे कि वो बेनिफिट्स आपको ठीक कितना फायदा कारक हुआ है, कितना आपको ठीक है, बेनिफिट है उससे और कितना उसकी वजह से आपको बिजनेस में अफेक्ट हुआ है वो चीज़, उस पर हम बात करेंगे ठीक है आज। जैसे कि जी अपने सर, ऐसे तो पहले साइटेज के सारे प्रोडक्ट्स को प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं हम, आपको पता है कि नहीं। तो उसमें एक अपना पहला बेनिफिट है कंपिटेटिव एडवांटेजेस, अपने प्रोडक्ट्स को लेके आप यूज करके आप प्रोडक्ट आप जहाँ पे सप्लाई करते हो आपके कस्टमर्स को एक कंपिटेटिव एडवांटेज मिला है कि नहीं मिला है। मिला है ना सर। साइटेज का कोई भी प्रोडक्ट जो मेरे पास में जो भी आता रहता है, जैसे सिम्बा है, हाँ साइटेज फ्लैप डिश है, तो हमारा मार्केटिंग का काम है सर। हम कम से कम 400 किलोमीटर तक का एरिया रन करते हैं, वहाँ पे हमारी पार्टियां हैं, तो उन पार्टियों को हम साइटेज का प्रोडक्ट उनको सप्लाई करते हैं। तो भी पार्टियों का भी रिक्वायरमेंट बार बार आती रहती है हमारे पास में कि साइटेज का ये माल चाहिए, साइटेज का 4 इंची चाहिए, साइटेज का अपना फ्लैप डिश चाहिए, साइटेज का बक चाहिए। तो कहने का मतलब वो है। बराबर। और जैसे कि दूसरे ब्रांड इतने मार्केट में होने के बाद भी जी सर, आपको इजीली मतलब सेलिंग और इसमें आया है परफॉर्मेंस में आपके फर्क पड़ा है यूज़ करके प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज करने के बाद में देखो, मार्केटिंग एक ऐसा काम है कि जहाँ पे 50 तरह की ब्रांड चलती है, बराबर। ठीक है। अब मैं कोई ब्रांड का नाम लेके तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 50 ब्रांड चलती बराबर है। उसमें के मुकाबले देखने जाए तो अपने को साइटेज के अंदर माल सेलिंग में अपने को कोई तकलीफ नहीं पड़ती है ना, मतलब सेल करने में प्रॉब्लम पड़ती है ना ही, मतलब यूजर को हम देते हैं, हम रिटेलर को देते हैं, हम ट्रेडर्स को देते हैं, बराबर। तो वहां से भी अपने को रिकवरी आती रहती है। फिर अपना एक दूसरा बेनिफिट है प्राइस मैच प्रॉमिस। जी सर, जैसे कि एक प्रोडक्ट है सिमिलर, जी अपने सर, कंपटीशन के प्रोडक्ट भी आते होंगे कंपटीटर्स के, उनके और अपने में प्राइस मैच, मतलब उससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी और उससे कम दाम, वो आप हम आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं क्या? आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल कर पा रहे, बोलिए। बिल्कुल कर पा रहे आप। ऐसे मेरे पास में 4-5 तरह का ब्रांड आता है फ्लैप डिश के अंदर, लेकिन फिर भी आपका सिम्बा का आता है, साइडेज का आता है, तो उसमें रेट में भी मेरे को बेनिफिट है, प्लस क्वालिटी में भी बेनिफिट है सर। क्योंकि बराबर मैंने 4 ब्रांड बेच के देखा, 4 ब्रांड के मुकाबले अपना जो सिम्बा का फ्लैप डिश है, साइटेजी का फ्लैप डिश है, उसमें क्वालिटी में भी बहुत फर्क है, क्वालिटी भी हाई लेवल की है, और रेट में भी जो है बेचने में हमको मजा आता है, हमको उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। बराबर। एक अपना थर्ड बेनिफिट है कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट। जैसे कि जी सर, एक जैसे आपके वहाँ पे एक प्रोडक्ट था जो आपके मार्केट में चल रहा है और अपने पास अवेलेबल नहीं थी वो चीज़, तो आपके लिए वो कस्टमाइज करके मतलब आपके नीड के हिसाब से हमने वो प्रोडक्ट लाया है, एज ए मार्केट की अपने कस्टमर को जो चल रहा है जो चाहिए चीज़ वही हम लाए हैं, वो आप उस पर थोड़ा बताना चाहेंगे कुछ? उसमें ऐसा है कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट चल रहा था, ठीक है, अब कोई क्वालिटी के ऊपर चलता है, कोई रेट के ऊपर चलता है। मार्केट में दो तरह का इश्यू होता है, कोई क्वालिटी चलती है तो कोई रेट में चलता है। लेकिन साइटेज का जो प्रोडक्ट है उसमें हमको सर कहीं तकलीफ नहीं आती है मार्केटिंग करने में, ना ही सेल करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें दोनों भी चीज आ गई। उसमें प्राइस का भी देखने जाए तो प्राइस भी आ गई है, और क्वालिटी देखना चाहे तो क्वालिटी भी आ गई है, मतलब 2 इन 1 दोनों तरीके से आ गया है। और अपना एक लास्ट है डायरेक्ट सेलिंग, जो आजकल सबको प्रॉब्लम आ रहा है जी सर, कि आप वो मटेरियल ले रहे हो और दो जी दुकान छोड़ सर, के वो मांग रहा है कोई दूसरा मटेरियल, तो उसको भी जी पहुंच सर, जाता है मटेरियल, तो अपना जी वो सर, बेनिफिट है, तो उस पर आप कुछ जी बताना सर, चाहेंगे कि हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते सर, हैं? जी सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा। उसमें ऐसा है कि देखो, आप जो साइटेज से मैं काम करते करते मेरे को 2 से 3 साल हो गए हैं, और साइटेज मतलब मार्केट के अंदर तो कोई भी डायरेक्ट कंपनी तक पहुंच ही पाता है, लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट जो साइटेज के प्रोडक्ट की आती है, ठीक है, तो वो सर साइटेज कंपनी से अपने पास में कॉलिंग आ जाता है कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट है, आप बात कर दो। साइटेज वाला, साइटेज जो है वो मतलब कभी डायरेक्ट काम नहीं करते, वो डायरेक्ट जो है वो मतलब हमको बता देते हैं कि ये पार्टी का ऑर्डर है, ये पार्टी की रिक्वायरमेंट आई हुई है, आप उनसे बात कर लो, आप उनसे कांटेक्ट कर लो। बाकी मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सी मतलब ब्रांड भी है जो मतलब बहुत तकलीफ आती है, कोई मैं नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ऐसी चीजें, ऐसी ब्रांड है जिसमें
डायरेक्ट मार्केट के अंदर मिल जाती है। मतलब एक छोटा यूजर है उसके पास भी वो ब्रांड मिलेगी, एक रिटेलर के पास भी मिलेगी और ट्रेडर्स के पास भी मिलेगी, तो फिर बराबर ट्रेडर्स वाले को बहुत तकलीफ होती है सर। बराबर। तो और कुछ आपके और से फीडबैक है आपको, जो भी लगे कि अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड इम्प्रूव होना चाहिए, या हम आपके बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए और कुछ हम कर सकते हैं ऐसा कुछ? सर उसमें उसमें ऐसा है कि देखो, अब मैं मेटल फ्लैट पीस के अंदर अभी तो 4-5 तरह की ब्रांड बेच रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने ये फ्लैट पीस अपना सिम्बा साइटेज का फ्लैट पीस 60 नंबर का है, वही जब से मैंने स्टार्ट किया मार्केट के अंदर उसकी सर्विस गई, तब उसका मेरे को रिक्वायरमेंट आया। अभी भी मतलब उसका रिक्वायरमेंट मार्केट के अंदर मेरा फुल है, ठीक है। उसके बाद में अभी नया लॉन्च हुआ ये सिम्बा अपना प्रोडक्ट, ठीक है। बराबर ये सिम्बा में भी सिम्बा तो सिम्बा के अंदर भी क्वालिटी में भी और रेट में भी मतलब बहुत बढ़िया चीज है, हर तरीके मार्केट में से उसकी जो है मतलब अच्छी गुडविल बाहर आ रही है। उसके बाद में ऐसे 4 इंच कटिंग व्हील में भी है, तो 4 इंच कटिंग व्हील में भी अपने पास में साइटेज का फुल प्रोडक्ट अपने पास में रहता है। अभी ये कटिंग व्हील है, ठीक है, ये कटिंग व्हील के अंदर भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और रेट के अंदर भी अपने को बेनिफिट है और मार्केट में जो अपन सर्विस देते हैं उनमें हाँ उनको भी बेनिफिट बराबर है ठीक है। तो धन्यवाद आपका एक थोड़ा फीडबैक देने के लिए कि अपने दूसरे नए जी सर। कस्टमर जुड़ रहे हैं, उनको भी पता चले कि अपने क्या सर्विस है, अपने क्या बेनिफिट है और इनसे फायदा हो रहा है कि नहीं कस्टमर को। ये फीडबैक देने के लिए थैंक यू सो मच सर। ऐसा है कि साइटेज के अंदर सर सर्विस से लगा के मटेरियल तक, मटेरियल से लगा के रेट तक, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको सर, उसमें सब एकदम मतलब एक्सीलेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू।